कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमेश शंकर पटेल जी, माननीय सांसद श्री रमेश चंद बिंद जी, माननीय विधायकगण सर रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, श्री दीनानाथ भास्कर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, जिला के अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी, निर्यात प्रोत्साहन परिषद के श्री सिद्धनाथ सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्री नवनीत सहगल जी, भदोही के कारपेट उद्योग से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, हस्तशिल्पीगण और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित शासन की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण और भदोही के मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भदोही जनपद को राज्य सरकार की ओर से कारपेट एक्सपो मार्ट के इस लोकार्पण के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछले एक वर्ष से हम लोग प्रतीक्षारत थे कि इस कार्यक्रम के साथ हम यहां पे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ करके इस जनपद के हस्तशिल्पियों का अभिनंदन कर सकूं, जिन्होंने अपने हुनर से इस जनपद को एक नई पहचान दिलाई है। वह सचमुच हमारे लिए अभिनंदनीय है। जिन लोगों ने एक समय में बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के अपने स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम से न केवल भदोही जनपद को प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी एक स्थान दिलाया, ऐसे सभी हस्तशिल्पी, कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्यमी हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और इसीलिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। एक कोरोना कालखंड है, मार्च से लेकर के अब तक आज दिसंबर की अंतिम तिथि है। जब मैं 2019 में यहां आया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शीघ्र आऊंगा, कारपेट एक्सपो मार्ट के उद्घाटन के लिए आऊंगा, लेकिन पिछले 9-10 महीनों से हम लोग केवल और केवल उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना से जूझते हुए, उससे लड़ते हुए और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षित रखते हुए जो एक व्यापक कार्य योजना बना रहे थे, उसके कारण यहां पर चाहते हुए भी मैं कार्यक्रम नहीं दे पाया था। और इसीलिए मैंने जब इस विभाग के मंत्री से, इस विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने सहर्ष इस बारे में कहा कि ये तो हमारा तैयार है और हम लोग चाहते हैं कि कारपेट जगत से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों के अभिनंदन का साक्षी ये कार्यक्रम बने। अगर प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और इसलिए आज मैं विशेष रूप से आज यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए आपके भदोही जनपद में आया हूँ, जिन्होंने प्रदेश और देश को एक नई पहचान कारपेट के क्षेत्र में भदोही के माध्यम से दी है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य यहाँ के हस्तशिल्पियों ने किया है अपने हुनर के माध्यम से।
और वह कार्य सचमुच अभिनंदनीय कार्य है। इस अभिनंदनीय कार्य के लिए जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वह कम है, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को महत्व देते हुए हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना और फिर उसके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात हम सबको दी और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन सके। इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद की यह अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की थी। एक जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया तो भदोई के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं, वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था यहां पे हर एक जनपद के पास अपनी विशिष्ट पहचान है और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी वह हमारी अनमोल धरोहर है। अनमोल धरोहर किसी भी जिले में आप जाइए वहां की अपनी एक पहचान बन जाती है। मैं मानता हूं भदोही जैसी हुनर हो सकता है किसी जिले में भले न हो, लेकिन वहां पे प्रकृति प्रदत्त कुछ ना कुछ ऐसा उपहार जरूर है जिसके माध्यम से लोग देश और दुनिया को कुछ दे रहे हैं। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल है, ऐसे कौशाम्बी का अमरूद भी तो है, कौन नहीं जानता इसके बारे में। यानी आखिर यहां के किसानों ने भी तो किसी भी क्षेत्र में इससे पीछे नहीं रखने दिया। चंदौली का चावल, आज तो चंदौली का किसान एक ब्लैक चावल को भी लेके आ रहा है, ब्लैक राइस भी लेके आया है, बाजार में उसका दाम 700 रुपए तक मिल रहा है। यानी किसान हो, हस्तशिल्पी हो, युवा हो और समाज का कोई भी तबका, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह कारपेट एक्सपो मार्ट अपने आप में इन सभी उद्यमियों और हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करने के लिए आज यहां पर खड़ा है, इसलिए इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और यहां पर तो एक साथ आए हैं इस जनपद के हम लोग, जहां यहां के उत्पाद को यहां के प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए इसको मार्केट देने के लिए जहां आए हैं, बाजार देने के लिए आए हैं, वहीं साथ ही साथ इसी बहाने यहां की विकास की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी हो जा रहा है। हमारे सांसद हमारे विधायक जी ने, श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने, श्री दीनानाथ भास्कर जी ने, श्री रमेश चंद बिंद जी ने यहाँ के विकास के लिए जो कार्य योजना बनाई, कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं चिकित्सालय, कहीं विद्यालय, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर पशु चिकित्सालय, कहीं पेयजल की स्कीम, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जिससे यह भदोही जनपद जो यहाँ का परंपरागत हुनर है,
इसके साथ साथ विकास की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सके, और विकास की प्रक्रिया के हिस्सा बनने के लिए ही लोकार्पण और शिलान्यास की इतनी योजनाओं को एक साथ लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ भदोही जनपद को आज प्राप्त हो रहा है। भदोही के भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने सांसद जी को, विधायक, दोनों लोकप्रिय विधायकों का हृदय से इन्हें बधाई देता हूं। आप सबको भी बधाई देते हुए आपका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि ये कार्य करने में जनप्रतिनिधि इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें चुना, आपका जो समर्थन इन्हें है, इसलिए लखनऊ आकर के योजनाओं को इस धरातल पर उठाने में सफल हो जाते हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने में सफल हो जाते हैं, विकास में जनपद पिछड़ने न पाए इसमें लोग सफल हो जाते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश तो असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर हर घर में मिट्टी के दीप और गोबर के दीप जलाए गए। ये अब चीन से नहीं आए, यहीं के कारीगरों ने इसको बनाया, पैसा भी यहीं गया, उसके जीवन में खुशहाली आई, और जब अब मिट्टी और गाय के गोबर से बने हुए दीप जब घर घर में चले तो लक्ष्मी गणेश जी का प्राकट्य स्वयं हर घर में हो गया, इसलिए तो खुशहाली आ रही है। आपने देखा होगा दीपावली के दिन अयोध्या में 7 लाख से अधिक दीप जले, और वाराणसी ने तो देव दीपावली में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 30 लाख से अधिक दीप एक साथ जला करके काशी के लोगों ने देव दीपावली के अवसर पर साथ साथ साबित कर दिया कि देव दीपावली के दिन स्वर्ग के देवता भी काशी में पधार करके उन्होंने काशी को एक नई पहचान देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज यही तो हम लोग एक नई दिशा में प्रदेश को लेके जा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य हुआ है, हर एक क्षेत्र में। यह देश 1947 में आजाद हुआ था, 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर सरकारी क्या कर रही थी, आखिर गरीबों को मकान तक क्यों नहीं मिल रहे थे, गरीबों के लिए शौचालय तक क्यों नहीं मिल पा रहे थे, गरीबों को बिजली के कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन तक क्यों नहीं मिल पा रहे थे, गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल रहा था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था, और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी, उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे, और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये आत्मनिर्भर भारत भी इसी मजबूत और शक्तिशाली भारत का एक आधार है, और इसीलिए तो आपने कोरोना कालखंड में देखा दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लटक गई, पूरी तरह पस्त हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा, और मजबूती से लड़ाई लड़ने का परिणाम क्या है, सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और यहां के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों ने तो कमाल कर दिया। भदोही के
देश के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का कुल कालीन एक्सपोर्ट होता है, यानी निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में, और उसमें से अकेले 80% यानी 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भदोही के द्वारा होता है। भदोही के उद्यमियों और हस्तशिल्पी भाइयों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी इस हुनर ने भदोही को एक नई पहचान दिलाई है। अकेले भदोही 80% इस निर्यात में योगदान देता है, और भदोही के साथ ही अन्य जगह भी इसी प्रकार का आप देखेंगे, लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ब्रास के आइटम मुरादाबाद पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज इत्र बनाने के लिए नई तकनीक एक कन्नौज के अंदर, फिरोजाबाद अपने ग्लास की आइटम के लिए दुनिया के अंदर फिर से अपनी हुनर का लोहा मनवा रहा है। हार्डवेयर के लिए अगर आप जाएंगे तो अलीगढ़, खुर्जा अपनी पॉटरी के लिए, स्पोर्ट्स आइटम के लिए, दुनिया के सभी स्पोर्ट्स आइटम कहीं आपको मिल सकते हैं तो मेरठ के अंदर मिल सकते हैं। और अगर आपको टेराकोटा के लिए देखना है तो गोरखपुर के कारीगरों के लोहा को, उनकी कला को सम्मान देने के लिए हर व्यक्ति लालायित होता हुआ दिखाई देता है। कास्ट कला देखनी है तो सहारनपुर जाइए, क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, और प्रोत्साहन ऐसे ही कहीं पे कारपेट एक्सपो मार्ट बनाएंगे, कहीं पे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे, कहीं पर कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे, और निर्यात प्रोत्साहन के साथ जोड़ करके अपने हस्तशिल्पियों के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यही तो केंद्र और प्रदेश सरकार वर्तमान में कर रही है। भाइयों बहनों, उद्देश्य एक ही है, हरेक चेहरे पर खुशहाली लाना, गांव के लिए भी, गरीब के लिए भी, किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, अपने नए हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन करने के लिए उनकी ट्रेनिंग, और फिर उन्हें टोल किट उपलब्ध कराना। टोल किट उपलब्ध कराने के साथ ही आपने देखा होगा उन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना से प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें प्रोत्साहन के लिए सस्ते में लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी उन्हें इस सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है। हर एक स्तर पर ये कार्य, हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक अभियान है। भाइयों बहनों, आज देश बदल चुका है, आज भारत दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान के रूप में, दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आज दुनिया को इस बात का एहसास हुआ है कि अगर दुनिया को मानवता के कल्याण का मार्ग आगे प्रशस्त करना है तो नेतृत्व केवल भारत दे सकता है, भारत दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस नेतृत्व के लिए आज दुनिया का एक रोल मॉडल बना है। आज दुनिया के अंदर किसी भी क्षेत्र में, आज से 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, दुनिया ये मानती थी कि भारत तो एक पिछड़ा देश है, और देखते ही देखते 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पूरी तस्वीर को बदल करके दुनिया के सामने रख दिया। आज दुनिया भारत के पीछे जाने के लिए मजबूर हुई है। यह है नया भारत, और इस नए भारत के साथ हम सबको जुड़ने की आवश्यकता है।
स्वदेशी उत्पाद, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, यहां की कालीन को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्थानीय उत्पाद जहां कहीं भी लग रहे हैं, आज आपने सुना होगा, हम लोगों ने भी कहा है, अगर कहीं घाट पर पत्थर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो पत्थर हम मिर्जापुर से ही लाएंगे, कहीं और जगह से नहीं। कहीं कोई बड़ा स्मारक और बड़ा भवन बनना है, अब हम यहीं के पत्थरों के अंदर उस संभावनाओं को तलाशेंगे। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, विकास एक नई ऊंचाइयों तक छूता हुआ दिखाई देगा, और साथ साथ स्थानीय उत्पाद को जिस पहचान के लिए वह मोहताज थी, वह पहचान मिलेगी तो दुनिया उसके पीछे आकर्षित होते हुए दिखाई देगी। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से, आज वर्ष 2020 का ये अंतिम दिवस है, कल से हम 2021 में प्रवेश करेंगे। 2020 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी था, 2020 हमें तकनीक से जोड़ने का वर्ष भी था, 2020 हमारे लिए उपलब्धियों का वर्ष भी था। 2020 में हम लोगों ने सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया, तो 2020 में कोरोना के बहाने से ही लोग तकनीक से जुड़े, और 2020 में कोरोना को परास्त करते हुए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने साबित किया है कि शांति और सौहार्द कहीं और से नहीं आएगी, हम सब पहल करके इसे स्थापित करेंगे, और उत्तर प्रदेश ने शांति और सौहार्द का वह एक नया संदेश पिछली सरकारों को तो दिया ही दिया है, दुनिया को भी दिया है, हम सब अब विकास के लिए आग्रही बनेंगे, झगड़ा फसाद के लिए नहीं बनेंगे, अब एक नई दिशा में विकास के प्रति, इसीलिए तो नए नए कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज को वायु सेवा से जोड़ दिया गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, सोनभद्र में भी हम एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही लगभग 14 स्थानों पर नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 7 स्थानों पर वायु सेवा के साथ हम लोगों ने एयरपोर्ट को जोड़ दिया है, बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी के साथ कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। ये सभी कार्य जब पूरे होंगे तो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनेगी, यानी विकास दौड़ते हुए दिखाई देगा प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्लान नहीं करना पड़ेगा, हर जनपद में हर एक स्तर पर उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुरूप से कार्य भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में हम सफल होंगे, और इसलिए रोजगार की इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, भविष्य के उज्जवल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं आह्वान करूंगा अपने किसान भाइयों का भी, उन्होंने अपनी मेहनत से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का जो कार्य पहले आपने किया, अब हमारे हस्तशिल्पी करने जा रहे हैं, हमारा यह युवा अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा,
ये ऊर्जा भी प्रतिभा सचमुच हमारी एक स्वयं की उपलब्धि है। और इसीलिए तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस बात को तय किया कि सरकारी नौकरी पर अब कोई व्यक्ति बोली नहीं लगा पाएगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। पिछले 3-4 साल के दौरान आपने देखा होगा 4.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने में हमने सफलता प्राप्त की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होंगे तब तक प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी पूरी दे चुके होंगे। लाखों नौजवानों को निजी क्षेत्र में हम नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ चुके होंगे। करोड़ों नौजवानों को सत्तर रोजगार के साथ हम जोड़ चुके होंगे। 31,000 करोड़ रुपए का लोन तो केवल हम लोगों ने एमएसएमई यूनिट को प्रदेश में कोरोना कालखंड के दौरान दिलाया है। आप सोचिए कितने लोगों को इसके साथ रोजगार मिलेगा। और एक कालीन उद्योग तो उसका एक जीता जागता प्रमाण है। कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता, वे लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार की चीजें हों, लेकिन हम आश्वासन देने के लिए आए हैं कि अपने हस्तशिल्पियों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग आपके बीच में यहां पर आया है। निर्यात प्रोत्साहन परिषद भारत सरकार भी आज आपके बीच में है। और ये सभी लोग मिलकर के इस कारपेट एक्सपो मार्ट के माध्यम से दुनिया के बाजार को आपके यहां तक इस भवन तक लेकर के आएगी। यहां के उद्यमी को दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को यहां आकर के आपके हुनर को दुनिया का मार्केट उपलब्ध कराने के लिए यह मार्ट अपनी पूरी भूमिका के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भदोही के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों का अभिनंदन करते हुए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग और साथ साथ इस निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारत का निर्यात प्रोत्साहन परिषद के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।